मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए जीत ग्राफिक को और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं नया टॉपिक के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप सीसी में बैनर डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। न्यू पेज लेंगे, कंट्रोल एन भी प्रेस करेंगे तो हमारा इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो 70x30 ये साइज ठीक है हमारा बिलबोर्ड का और बैनर का स्टैंडर्ड जो हम फिलहाल रखते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं बैनर डिजाइन टेम्पलेट, ओके। और ये ठीक है, वाइट भी ठीक है, यहाँ से ये कलर भी ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्रिएट पे क्लिक कर दिए हमने और फिर यहाँ पे देख सकते हो राइट क्लिक करके हम देख सकते हो इंच पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा इसको हम इस तरीके से छोटा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं, देख सकते हो न्यू गाइडलाइन फिलहाल 0 कर लेंगे, फिर 2 रखेंगे, 1x1 करके हम रख लेंगे, फिर 28 रखेंगे, 28 और फिर यहाँ से 30 कर देंगे, 30। और फिर यहाँ से जाके हम वर्टिकली करेंगे 0, फिर 8 और 2 और फिर 8 और 68, क्योंकि 70 है 70, और फिर 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस करने के बाद हमारा ये फिर बैठ जाएगा। अब हम फ्रेंड जाते हैं, देख सकते हो इलिप्स लेंगे, ठीक है, इलिप्स क्लिक किए और ये ठीक है शेप। और यहाँ से हम कलर अभी फिलहाल एडिट करेंगे, तो पहले हम ये ठीक है, अब हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे, इसको और बड़ा करेंगे, तो फिर कंट्रोल टी करेंगे यहाँ से, ये ठीक है। और फिर कलर यहाँ से चेंज करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे सैन को, तो 25 और 100 कर देंगे, और ये 20 की जगह और 25 की जगह 20 ही रखेंगे, ये ठीक है फिलहाल। और हम एक चीज़ को और डुप्लीकेट कर लेंगे, देख सकते हो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर, 1x1 नेम करते जाना आप। इलिप्स 1 इलिप्स 2 है ही ऑलरेडी, इसको 1 कर देते हैं और इसको 1 और इसको हम 2 कर देते हैं, 2। और फिर इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे और इसमें भी एक हम और डुप्लीकेट करेंगे, इसको 3 कर देंगे। और इसमें फिलहाल हम कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड कोई भी, और फिर इसको छोटा करते हैं कंट्रोल टी करके, और फिलहाल इसको अभी हाइड करके हमें पहले इसको सेट करते हैं, फिर इसको और इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा कंट्रोल टी सिर्फ सिंगल वाले को सिलेक्ट करके तो थोड़ा सा ऐसे दबा देते हैं ना, और इसको इधर से दबा देंगे और फिर थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, ये शेप जो हमारा है ऑलरेडी आ जाएगा। और फिर इसको अब डिलीट ही कर देते हैं और फिर इसको हम कॉपी कर लेंगे ग्रुप करके, ठीक है, इसको ग्रुप 1 कर देंगे, ठीक है, 1 हो गया। और इसको सर्कल 2 नाम रख देंगे, और इसके लिए भी हम 2 1 कर देंगे। अब हम इसको कंट्रोल टी करेंगे, इस तरीके से हम रख लेंगे और छोटा करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लिया। अब हम इसको ऑल्ट क्लिक करके नन कर देंगे और फिर इसमें डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे पैटर्न्स है और सॉरी कलर, और इसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्लिक करेंगे इस तरीके से और इसमें स्टॉक हम बढ़ा देंगे, यहाँ पहले प्रीव्यू ठीक है,
और फिर हम यहाँ से ये स्टॉप पर क्लिक करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, ये देख सकते हैं साइड नेम और साइड में ये ठीक है, ये तो कुछ ले रहा है। और फिर इसमें भी हमसे वही करेंगे, सर्कल टू में जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे डबल क्लिक करके और फिर वही सेम आउटलाइन और फिर इसको एक तो इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब हम इसमें मैटर लगा लेते हैं फ्रेंड, ये है हमारा मैटर, इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कलर में ये लगा देंगे और इसको बड़ा करेंगे करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको ऊपर ले जाके हम यहाँ पे रख देंगे और फिर दूसरा मैटर ये हमारा टाइटल हो गया एक तरीके से। और फिर इसको भी हम पेस्ट कर देंगे और फिर इसमें हम यहाँ से बोल लगाएंगे एक्स्ट्रा बोल, फिर कंट्रोल टी करके इसको हम बड़ा कर लेंगे जितना बड़ा होता है। कलर डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेगा वो और यहाँ से हम व्हाइट कर देंगे। फिर हम यहाँ से देख सकते हैं इतने सारे हैं, इसको कट कर लेंगे, चाहे कॉपी भी कर सकते हैं और फिर यहाँ से हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका हमें रखेंगे 50 के आसपास, इसमें हम रखेंगे रेगुलर ये 50 की जगह और थोड़ा सा होना चाहिए 80 के आसपास। फिर जाएंगे यहाँ से देख सकते हो कैरेक्टर और यहाँ से हम ऑटो कर देंगे और इसको भी वाइट, ठीक है ये, और इसको भी हम यहाँ से 80 कर देंगे, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से ले लेंगे और इसमें हम फिलहाल इसको क्लिक करेंगे फॉन्ट को यहाँ से और ये हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम यहाँ सेलेक्ट लेंगे, कट करेंगे और फिर एक टेक्स्ट और लेंगे और इसमें हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसमें हमने ये देख सकते हो यहाँ से हमने लिया था कैरेक्टर स्टाइल और इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम ऑल कैप कर देंगे और फिर इसमें हम बोल्ड रखेंगे इसको, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे, फिर इसमें कलर हम ब्लैक ही रख देंगे और फिर कंट्रोल टी फ्रंट करके इसको हम बड़ा करेंगे। ये ठीक है, अब हमें ये रहते हैं हमारा, ये है हमारा मोबाइल नंबर, एक इसको देख सकते हैं यहाँ से हम ले लेते हैं और फिर इसी में हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम कर देते हैं वाइट, ये कलर वाइट हो गया। और फिर कंट्रोल टी करके आवश्यकता अनुसार हम बढ़ा लेंगे फिर हमें यहाँ पे ये अपना कोई भी वेबसाइट हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम रन कर देंगे
और आउटलाइन हम सॉरी ये हमें अनबोल्ड कर देने हैं। कस्टम शेप ले लेंगे और यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा मोबाइल मोबाइल ले लेंगे, फोन का आइकन ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से ज़्यादा बड़ा नहीं इतना ठीक है। और फिर ये जो शेप बन रहा है इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये कलर हम यहाँ पे लगा देंगे, फिर नीचे कर लेंगे। और फिर दूसरा भी हम जाते हैं, इसको पहले अनसेलेक्ट करेंगे और फिर हम दूसरा ले लेते हैं आइकन और फिर यहाँ से जाएंगे वर्ल्ड का होगा हमारा। ये है हमारा वर्ल्ड का, तो इसको इस तरीके से इतना ले लेते हैं हम। और इसमें फिलहाल हम फ्रेंड्स व्हाइट लगाएंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ से व्हाइट लगा देंगे और फिर हम यहाँ से राउंड वाले लेंगे और इसको हम 20 कर देंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से राउंड कर देंगे और इसमें फिलहाल हम ग्रे कलर लगा देंगे और फिर इसको नीचे कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और थोड़ा सा रह गया इसमें हम इसको सिलेक्ट करके और इसको सेंटर कर देंगे। फिर हमारा बचेगा इसमें हम ये कलर फिल कर देंगे और अब हमारा बचा है फ्रेंड इसमें हमें और इसमें इमेज लगा लेते हैं। फ्रेंड यहाँ से जाएंगे देख सकते हैं इम्बेड, आपने जहाँ पे भी लिया हो आप पाथ ले लेंगे, हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से हमने इमेज उठा लेने हैं और इसको बड़ा करके ये हमारा इसके यहाँ पे लग रही है ठीक है। और यहाँ से राइट क्लिक करके देख सकते हो क्लिपिंग मास्क में अंदर डाल लेंगे और फिर हम इसको सेट करेंगे कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे जिससे हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा दिख रहा है ये ठीक है। ये ठीक है, अब हमें इसमें एक और इमेज लगाने हैं, देख सकते हैं प्लेस इमेज और यहाँ पे एक हैंड चेक का होगा, ये देख सकते हैं हैंड चेक और फिर इसको हम लेके आते हैं टू में, पहले इसको इंटर कर देते हैं और फिर इसको यहाँ पे करके यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं हमें ड्रैग कर रहे हैं बस ठीक है। और फिर राइट क्लिक करके देख सकते हो क्लिपिंग मास्क क्लिक कर लेंगे और फिर कंट्रोल टी करके इसको इस तरीके से हम शेप को ले लेंगे ये देख सकते हो फ्रेंड। ये देख सकते हो फ्रेंड कितने आसानी से हमने ये सिंपल बैनर डिजाइन बना लिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और कमेंट करें। दोस्तों मेरे वीडियो